हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। वेल दोस्तों, टीवी के एक बड़े एक्टर का हुआ शादी के कई साल बाद तलाक। जी हाँ दोस्तों, 17 साल के बाद टूट गया एक बड़ा रिश्ता। आखिर किसका हुआ है डिवोर्स, चलिए बताते हैं आपको टेली टॉकीज पर। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। CID, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जग जननी माँ वैष्णो देवी और ना जाने कितने सारे टीवी शोज का हिस्सा रह चुके हैं टीवी एक्टर ऋषिकेश पांडे, और अब इनका इनकी बीवी से तलाक हो गया है। जी हाँ, त्रिशा से अलग हो गए हैं ऋषिकेश और खुद इस बात का खुलासा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किया। हम आपको बता दें कि इन दोनों की शादी साल 2004 में हुई थी, लेकिन साल 2014 में इन्होंने तलाक की अर्जी दी और फाइनली 7 साल के बाद अब इन दोनों का तलाक हो गया है। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं अपने बेटे की वजह से चुप था। वक्त के साथ हमें महसूस हुआ कि हम दोनों के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग की काफ़ी कमी है, जिसके बाद हम दोनों ने अलग रहना शुरू कर दिया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि चीज़ें और ख़राब हो जाएं। इतने सालों तक मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि मैंने हमेशा अपनी प्राइवेसी की इज्जत की है, लेकिन अब तलाक हो चुका है इसलिए मैं इस बारे में बोल सकता हूँ। मेरे दिल में मेरी बीवी को लेकर कोई भी करवाहट नहीं है। मैंने और त्रिशा ने इसे बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है और मैं अपने सास ससुर का और त्रिशा का आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे इस फैसले को सपोर्ट करा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनके बेटे की कस्टडी, दक्ष की कस्टडी उनको मिल गई है। उन्होंने कहा कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अब तक चुप रहने का कारण मेरा बेटा भी था। मैं नहीं चाहता था कि इतनी छोटी सी उम्र में मेरे और मेरी बीवी की अलग होने की खबर वो पढ़े। अब वो 12 साल का हो चुका है और इतना समझदार है कि समझ जाए कि हम कैसे वक्त से गुजरे। हालांकि सब कुछ बैलेंस करना और एक शादीशुदा आदमी की तरह नाटक करना बहुत बड़ा चैलेंज था, पर किसी तरह मैं ये सब करने में कामयाब रहा। पर हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि बेशक मुझे मेरे बेटे की कस्टडी मिल गई है, लेकिन वो कभी भी अपनी माँ से मिल सकता है। और इन्होंने अपने बेटे का एडमिशन एक हॉस्टल में भी करवा दिया है क्योंकि ऋषिकेश ज़्यादातर घंटों घंटों शूटिंग में व्यस्त रहते हैं। वेल दोस्तों, क्या कहेंगे आप, 17 साल का रिश्ता एक झटके में टूट गया। कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।